तीसरे दिन भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने कमाल की बल्लेबाजी की, जिसमें भारतीय टीम ने 487 रन पर अपने 6 विकेट गंवाकर पारी डिक्लेयर कर दी। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम को शानदार शुरुआत दी, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 161 रन और केएल राहुल ने 77 रनों का योगदान दिया। वहीं विराट कोहली ने भी एक शानदार शतकीय पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया पर 534 रन की बढ़त बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी और ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में अपने 12 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है, जिसमें भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर में 2 विकेट अपने नाम किया। उनके अलावा मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।